अब आता है सीरियस वाला पार्ट, है सीखने वाला। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं, दोबारा से पूछना चाहूंगा, जो नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम, ग्रेट। विश्वास बढ़ा, बिलीफ सिस्टम बढ़ा लोगों को देख के, लगता है एक दिन मैं भी यहाँ पे पहुंचूंगा, लगता है सारे के सारे लोग उठ के यहाँ पे आएंगे पक्का। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, विश्वास है, तो 100% एक दिन आप भी यहाँ पे आएंगे, 100% आएंगे। बट उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। अभी सर क्या बोल रहे थे, सीखने के लिए कहां तक गए, लंदन तक गए, सीख के उसको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मतलब सीखना कभी बंद नहीं हो सकता। एक चीज ट्रेनिंग से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, लगभग 35 से 40 मिनट की ट्रेनिंग होगी, बहुत बड़ी भी नहीं है। अभी आप सभी लोगों के पास 35 से 40 मिनट है, जिसके पास है प्लीज एक बार अपना हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है, सभी के पास है। कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास 35 से 40 मिनट नहीं है, सभी के पास है, ग्रेट, बड़े सुंदर लोग हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी टिकट मिलेगी अगली बार की, उसके लिए लाइन में अभी भागने वाले हैं 20 मिनट के बाद। आज टिकट का अनाउंस जो है वो बाद में होएगा, टिकट आज इस प्रकार से नहीं मिलेगी जैसे कि हर बार मिलती है, ठीक है। बाद में अनाउंसमेंट सुनना, उसके बाद ही टिकट लेने के लिए लाइन लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रस होता है। क्लियर है? मतलब हम 35 से 40 मिनट हम साथ में है, ओके। और दूसरी बात, आप ट्रेनिंग एजुकेशनल लेना चाहेंगे या मोटिवेशनल? एजुकेशनल क्यों, मोटिवेशनल क्यों नहीं? मजा तो मोटिवेशन में आता है, आता है ना भाई, मोटिवेशन मिला, कोई वीडियो देखी बढ़िया सी, किसी मोटिवेशन स्पीकर देखी, हाँ मोटिवेशन क्या ये हुआ, ले भाई अब क्राउन कर दूंगा मैं भी एक साल के अंदर, मजा आता नहीं आता? आता है ना। देखो मोटिवेशन मैं भी नहीं मानता कुछ होता है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन सिर्फ इस प्रकार से होता है जैसे दीवार पे टंगे हुए कोट के ऊपर कोई धूल चढ़ी और एक झटका मारो उतर जाती है, 2 घंटे 4 घंटे एक दिन दो दिन के अंदर खत्म। जरूरत किस चीज की है, एजुकेशन बोले तो नॉलेज की जरूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। आप किसी के पास जाएंगे फुल कॉन्फिडेंस, अगर आप बिजनेस को बताएंगे तो लोग हमारी टीम में आएंगे कि नहीं आएंगे? आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा काम करता है इस बिजनेस के अंदर। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं कुछ एजुकेशनल ही ट्रेनिंग आज यहाँ पे बना के लेके आया हूँ। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज जो हम ध्यान नहीं देते, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? लोग पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, जोड़ने वाला सिस्टम है, लोगों को पैसा कमाते हुए बहुत सारे देखा आपने भी, विश्वास भी हुआ, बिलीफ सिस्टम बड़ा, फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? अगर इसको मैं एक लाइन के अंदर खत्म करूं, जितने आप नए लोग हैं कंफ्यूज होते होंगे कि भाई अगर किसी से किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया भाई आप किस चीज में काम करते हैं, एक लाइन में कैसे बताएंगे? अब मैं बताऊं, एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी मैंने ढूंढी है, वो ये है, डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी के लिए वो आखिरी मौका है जहां पर वो एक आम आदमी अपना समय और मेहनत लगाने के बाद अपने हर सपने को पूरा कर सकता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। एक आम आदमी के लिए वो लास्ट मौका है, आम आदमी के लिए वो लास्ट, वाकई लास्ट मौका है। अगर मेरे पास ये मौका नहीं होता तो मैं तो वही होता ना, है ना। अब हमने बहुत सारे लोगों को सुना पहले क्या करते थे, पहले किस लेवल पे थे, है ना, तो वो क्या आज 2 लाख 3 लाख 5 लाख के होते क्या? नहीं होते। तो डायरेक्ट सेलिंग वाकई एक आम इंसान के लिए लास्ट वो मौका है जहां पे उस समय और टाइम लगाने के बाद, समय भी लगाना, समय और मेहनत करने के बाद, समय भी लगेगा थोड़ी मेहनत भी लगेगी, उसके बाद हर सपने को पूरा किया जा सकता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये सच है, प्रूफ हो चुका है कि नहीं? Yes. जी, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, व्हाई वी वर्क इन आवर लाइफ, अपनी जिंदगी में हम काम क्यों करते हैं, किस लिए काम करते हैं? पैसे कमाने के लिए। लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बदली है, बड़ा अजीब लगेगा आपको, जिंदगी को काटने के लिए या जिंदगी को जीने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, दो चीजें होती हैं। कुछ इंसान जिंदगी काटने के लिए इस दुनिया में आते हैं, कुछ इंसान सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। बोले तो कुछ लोग इस दुनिया के अंदर 90% लोग जो होते हैं वो देखने आते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने आते हैं इस दुनिया को। सिंपल सी बात है, देखो आज
इस दुनिया के अंदर 90% लोग एक साइड है और 10% लोग एक साइड है, मानते नहीं मानते, रियलिटी है, मैंने नहीं माना है, ये सच है। अब उनमें और हमें फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क ये है कि वो उनके पास पैसा है, वो सब है, और 90% हम मिडिल क्लास लोग हैं। रियलिटी है कि नहीं, इसको कोई झुटला नहीं सकता, फैक्ट है कि नहीं है? तो ये उसी की बात हो रही है। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं और कुछ लोग जिंदगी को काटने के लिए आते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें, थोड़ा सा इसके अगर अंदर जाएं, तो बात करता हूं मैं, 10% लोग वो काम करते हैं जो 90% लोग करना नहीं चाहते हैं। ये रियलिटी है। 10% लोग वो काम करते हैं जो 90% लोग करना नहीं चाहते। सबको पता है सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, हेल्थ ठीक रहेगी। करना चाहते हैं क्या? है ना, नहीं करना चाहते। लेकिन आप हिस्ट्री उठा लेना, किसी भी सफल इंसान की सुबह जल्दी उठते हैं और योगा करते हैं, जिम जाते हैं। और हम लोग जो बहुत समझदार होते हैं, हिस्ट्री उठा लो किसी की भी, बिल गेट्स को ले लो, दुनिया के सफल लोगों को ले लो, किसी को देखो, बोलो उनकी आदतें क्या होती है, हमारी आदतें क्या होती है। आगे बात करूं, जिसका नतीजा ये है 10% लोगों के पास वो सब है जो 90% लोगों के पास नहीं है। फैक्ट है, सही है कि नहीं है? पक्का है ना? जिसका नतीजा ये है 10% लोगों के पास वो सब है जो 90% लोगों के पास नहीं है। वो उन 10% लोगों के पास क्या है बताओ एक करके। नंबर एक, ग्रेट लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा जीवन, सब कुछ, खुशी, एनीथिंग ग्रेट, लग्जरियस। 10% लोगों के पास होते कि नहीं होती? होती है ना। अगर और आगे थोड़ा सा बात करूं, वैकेशन, छुट्टियां कैसी होती हैं 10% लोगों की? कई छुट्टियां होती हैं। अब जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई थी, मेरी इस बिजनेस में आने से पहले कोई छुट्टी थी मेरी लाइफ में क्या? कुछ नहीं। मैं तो अपने से रिलेट करता हूं। देखो आप ये मत सोचना, अपने मैं अपने से रिलेट करता हूं, जो मैं था उसी हिसाब से ये है। 10% की छुट्टियां कैसी होती हैं, 90% की कैसी होती हैं? मैंने कभी नहीं गया, हरिद्वार तक नहीं गया, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ी सी लाइफ बदली नहीं बदली? अब 10% में गया कि नहीं गया? अब हर छठे महीने गोरखपुर होगा, हुआ कि नहीं होगा? तो ऐसे वाली छुट्टियां होती हैं, जहां चाहे, जहां चाहे वहां जा सके, जहां चाहे बच्चों का बर्थडे मनाना है वहां मना सके। अगर आगे बात करूं लग्जरियस कार, 10% वालों की कार कैसी होती है साहब? बड़ी मछली होती नहीं होती? और देख लो सामने वाले बैठे ना, इनके पास है ना, सबके पास 10% की कैटेगरी में आ गए। एक दिन हम आप ही आओगे, टेंशन ना लो, सब आओगे, ताली बजा लो एक बार। बात करूं ब्यूटीफुल हाउस, घर कैसा होता है 10% वाले लोगों का, जो सफल लोग होते हैं फील कर सकते हैं हम हमारा कैसा होता है और 10% वालों का कैसा होता है। आगे अगर बात करूं पीस ऑफ माइंड, खुशी, शांति होती है कि नहीं होती? कोई टेंशन होती है क्या? नहीं होती। सब सब कुछ है तो टेंशन क्या करे भाई? नहीं। अगर आगे बात करूं मैं, सिक्योरिटी, जब पैसा ही पैसा है, सब कुछ है, ओटीपी है, बड़ा घर है, पैसा है, तो कोई टेंशन है क्या सिक्योरिटी की? आज हमें कुछ हो गया तो पैसा अगली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कोई टेंशन नहीं होती। अगर आगे मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे चलूं, बैंक बैलेंस कैसा होता है, करोड़ों में होता है हमारा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा बैंक बैलेंस जीरो था, अब से 2 साल पहले बिल्कुल जीरो था, होता ही नहीं था, आता था 20,000-25,000 रुपए, बंद लास्ट में खत्म। ये हालत रहती है 90% लोगों की। लेकिन उनका बैंक बैलेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। लेकिन वो 10% लोगों को होता है, 10% लोग वो काम करते हैं जो 90% लोग करना नहीं चाहते, जिसका नतीजा ये होता है। अब इनमें और हम में फर्क क्या होता है? एक काम करने का भी फर्क है, एक काम करने की भी स्टाइल है, वो किस जोन में काम करते हैं और हम किस जोन में काम करते हैं। थोड़ा सा डिफाइन करूं? Yes. जी, अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं तो ये है एक्टिव वर्क जोन और पैसिव वर्क जोन। कितने लोग जानते हैं एक्टिव वर्क और पैसिव वर्क को? बहुत कम ही लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जितने नए लोग हैं, एक्टिव वर्क जोन वो होता है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन तक आप काम करेंगे, जब तक हम काम करते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा, जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब वर्क वंस, एक बार काम करोगे तो एक बार पैसा आएगा। जब तक नौकरी पर जाएंगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी पर जाएंगे तो पैसा नहीं आने वाला। वर्क वंस पेड वंस। आगे बात करें, कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉइज एंड प्रोफेशनल्स। एम्प्लॉइज मतलब जॉब वाले, सैलरी वाले, नौकरी वाले, और दूसरा कुछ प्रोफेशनल्स, जैसे लाइक डॉक्टर। डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन जब तक वो अपने क्लिनिक पे बैठे तब तक तो पैसा आएगा।
अब क्लिनिक पे नहीं है तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। एक इंजीनियर तब तक जॉब कर रहा तभी तक पैसा आएगा। एक दुकानदार जब तक दुकान उसकी चल रही तभी तक तो पैसा आएगा। दुकान शटर बंद पैसा बंद। तो ये वो लोग होते हैं। अगर आगे बात करूं अर्निंग 100% ऑफ ऑन एफर्ट्स, मतलब 100% इनकम जो लेते हैं वो अपने एफर्ट्स से लेते हैं। मतलब जितना काम करेंगे, अगर डॉक्टर एक डॉक्टर है वो 10 घंटे अपने क्लिनिक पे बैठता है तो उतना ही तो पैसा आएगा। 5 घंटे बैठेगा तो कम आएगा, 15 घंटे बैठेगा तो ज्यादा आएगा। हम ओवर टाइम करेंगे, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसको 12 घंटे करेंगे, 4 घंटे और बढ़ाएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। मतलब जितना हम अकेले एफर्ट करेंगे उतना पैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, फैक्ट है। अब अगर देखूं तो मैं मोर देन 90% ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, 90% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी कैटेगरी में आते हैं। मैं भी इसी कैटेगरी में था अब से 2 साल पहले। आज यहां हूं, कल को आप भी आएंगे, वो एक अलग मैटर, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन 90% लोग दुनिया के अंदर इसी कैटेगरी के अंदर है। इसको कोई झूठ ला नहीं सकता, इस सच के रियलिटी क्लियर। अब आगे बात करें पैसिव वर्क जोन की, वो क्या होता है? पैसिव वर्क जोन ये होता है कि जब हम काम करने के बाद भी पैसा आता है। बात करूं तो वर्क वंस, काम एक बार करेंगे पैसा मैनी टाइम्स आता है, बार बार पैसा आता है। काम एक बार आप करेंगे पैसा बार बार आता रहेगा। इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन। इन्वेस्टिंग मतलब लाइक एग्जांपल, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास, एक बार इन्वेस्ट करो तो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना। वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। या बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लाइक एक फैक्ट्री वाला है, उसकी फैक्ट्री के अंदर 5,000 एम्प्लॉई काम करते हैं, उसकी फैक्ट्री के अंदर 5,000 एम्प्लॉई काम करते हैं, ठीक है। उन 5,000 एम्प्लॉई में से किसी महीने 10-20-30-40 लोग ना आए तो फैक्ट्री के ओनर को फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4,950 लोग तो अभी भी हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो 50 लोग नहीं आए उसके घर में कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो कौन सा वाला काम कर रहा है? ये वाला काम कर रहा है, उसे घर पैसा नहीं आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो जो बिजनेसमैन है वो अमेरिका में रहे 2-3 महीने, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे कहते हैं पैसिव वर्किंग जॉन। मतलब काम करना है आपको एक बार और पेड मेनी टाइम्स। आपने एक बार एक टीम क्रिएट करी। अब क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर इसको मैं समझाऊं, ये 90% लोग जो है ये अकेले काम करते हैं, और 10% लोग जो होते हैं इस दुनिया के अंदर वो टीम के साथ काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। थिंक। अब देखना हमारी सोच क्या होती है और उनकी सोच क्या होती है, कितना अलग अलग बदलाव होता है दोनों के अंदर। सबसे पहले एक्टिव वर्किंग जोन की और पैसिव वर्किंग। एक्टिव वर्किंग जोन की सपोर्ट ये है, खुद अकेले काम करते हैं, अकेले तो काम करते हैं, जब तो काम करते तो पैसा आएगा। और ये जो होते हैं पैसिव वर्किंग जोन, इनकी सोच क्या होती है 10% वालों की, खुद सुपरविजन करके औरों से काम करवाते हैं, खुद सुपरविजन करेंगे और औरों से काम करवाएंगे, ये होता है इनका सोचने का नजरिया। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं साहब बताओ? मतलब वही बिजनेसमैन लोग आते हैं, दोबारा से वही है, वही आते हैं, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर आम आदमी के लिए कोई मौका है क्या? इस दुनिया के अंदर है कोई मौका? नेटवर्क मार्केटिंग, क्या बात करो, रियली देखो आम आदमी के लिए शायद इस दुनिया के अंदर, वाकई आप सही कह रहे हो, आम आदमी के लिए और कोई मौका नहीं है, यही मौका है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। एक बार जोड़ा तालियां नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और ये मुझ पे क्लेम मत करना,
गूगल करना, सर्च करना, अगर आप पैसिव इनकम की कैटेगरी में जाके सर्च करोगे तो एक इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर पैसिव इनकम की बात करोगे जहां पे एक बार काम करना है और उसके बाद पैसा लाइफ टाइम आता रहेगा, इस कैटेगरी में आती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग, अब आपको ये तो चीज समझ में आ गई कि 10% 90% क्या होता है, अपने से रूबरू होगे, दुनिया से रूबरू होगे, कि भाई टीम वाला मतलब टीम के साथ काम करना तो पैसा आएगा, क्लियर। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि 90 में से 10 में कैसे जाएंगे, ये क्लियर है। अब ये भी समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक आम आदमी के लिए लास्ट में होगा जहां पैसा नहीं लगने वाला, फिर आप इस कैटेगरी में आ सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर अगर बात करें कंपनियों की, तो कंपनियों में तो बहुत सारे हैं कि नहीं है, है कि नहीं है, ठीक है, उसमें बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं पहले बात करूं आज ग्लोबली आज ये क्या है इंडस्ट्री, दुनिया भर में फैली $multi-billion इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज बुक्स लिखी गई है इस पे, पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से पूरी दुनिया में चल रही है इंडस्ट्री, पिछले 100 से भी सालों से इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर है तो वो कुछ गलत तरीके से है, रियल हमें नॉलेज की है ही नहीं। अगर आगे बात करूं, सालाना 20-30% की अभूतपूर्व दर से बढ़ता वो उद्योग, सालाना 20-30% ग्रो करती है इंडस्ट्री। आज के टाइम पे आप गूगल कर लेना, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड से कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर ये तो होगी ग्लोबली बात की, वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं आज इंडिया के अंदर इसका सिनेरियो क्या है, वो ये है। शुरुआत 1995 में हुई थी इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री की, 1995 के अंदर, और ये 20% सालाना की दर से बढ़ रहा है, ये 20% सालाना बढ़ रही है इंडिया के अंदर, जो वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, और 80 लाख से अधिक लोग एसोसिएट हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब 80 लाख उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने एक बार फार्म भर दिया और घर पे बैठे हुए हैं, ये 80 लाख उन एसोसिएट की बात हो रही है इंडिया के अंदर, हालांकि स्लाइड पुरानी है। 80 लाख वो लोग हैं जिनका घर परिवार इसी से चलता है, लाइक मेरे जैसे डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, ये वो 80 लाख की बात हो रही है, वो 80 लाख है जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है। वित्त वर्ष 14-15 तक 10,000 करोड़ के आकार को पार कर गई इंडस्ट्री, वित्त वर्ष 14-15 की तरह 10,000 करोड़ के आकार को पार किया इस इंडस्ट्री। और आगे अगर बात करूं 2020 तक 34,000 करोड़ और 2025 तक 64,000 करोड़ के साइज को पार करने की आशंका है इस इंडस्ट्री की। ध्यान देना, अब ये बताओ यहां पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग थे जो 14-15 के अंदर थे, कितने लोग थे, कुछ ही लोग, 2-3 बस, 4 लोग बस। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम 14-15 के अंदर नहीं थे तब भी इसने 10,000 करोड़ के आकार को पार किया, किया कि नहीं किया, हम 2020 तक होंगे या नहीं होंगे तब भी इसको 34,000 करोड़ के आकार को पार करना ही करना है जी। अगर हम 2025 तक होंगे या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इंडस्ट्री 64,000 करोड़ के आकार को पार करेगी ही करेगी, हम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के अंदर लोगों की कमी नहीं है, भारत के अंदर सिर्फ करने वालों की कमी है साहब, ये क्लियर है कि नहीं। वर्ल्ड की हर इंडस्ट्री की हर कंपनी कोई भी सामान बनाने वाली हो बेचने वाली हो सब यहाँ पे आने को तैयार है, यहाँ सब बिकता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत के अंदर, ये सच है, ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग नॉलेज रखते हैं सब जानते हैं इस चीज को, क्लियर है जी। और दोस्तों ये चीज मुझ में विश्वास नहीं करने का, मुझे विश्वास नहीं करने का बिल्कुल बिल्कुल भी, मैं छोटी सी पेपर कटिंग निकाल कर लाया, हालांकि बहुत सारी पेपर कटिंग से आप लोगों ने देखी भी होगी, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का पेपर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस कौन लोग पढ़ते हैं सर, कौन पढ़ते हैं, बिजनेसमैन लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते, हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, उजाला, पंजाब केसरी, वहां ये हो गया, उसने वो वाला कर दिया, उसने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, सोनिया ने ये कर दिया, राहुल ये है तो उसने उसकी तरह मार मार दी, ऐसे करते नहीं करते है ना, हम उनमें लगे हुए हैं। लेकिन बिजनेसमैन लोग सिर्फ एक ही जगह फोकस रहता है, भाई कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ से रिटर्न ज्यादा आएगा, कौन सी मशीनरी कब बदलनी है, होता कि नहीं होता। तो ये है पेपर अहमदाबाद का अप्रैल 2, 2013, अहमदाबाद का अप्रैल 2, 2013, ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10,000 करोड़ बाई 2015 और 34,000 करोड़ बाई 2020, आज ये कह रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब आपको ये चीज क्लियर हुई बिल्कुल कि वाकई ये सच है, क्लियर। अब सच है तो इसके बाद अब जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। ये आज के टाइम में मैं इसको अपनी टीम में बार बार हर किसी को सिखाने की कोशिश करता हूं, क्यों,
क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत सारे बेरुखी हैं साहब, ये पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, आप आज एक्साइटेड हैं, आज आप ज्वाइन करेंगे, कल को क्या मिला, कल को आपको और मिल जाएगा बाबू बनाने वाला कि भाई यहाँ पे तो 6 महीने के अंदर लखपति है उधर चल देते हैं। तो जानकारी सही नहीं होती क्या सही क्या गलत, तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और जब हमें पता चल गया तो इस चीज को अपनी टीम के अंदर डिलीवर करना बैठ के बहुत जरूरी है कि कौन सी सही और कौन सी गलत। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के समय में, क्योंकि अब तक तो इंडस्ट्री वैसे ही थी। 9 अप्रैल 2016 को इसमें गाइडलाइन बन गई, कानून रेडी बैठा हुआ है, आज बहुत स्पीड से ग्रोथ है। एक इंसान आकर आज रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, 90-90 लाख स्टूडेंट हर साल पास आउट होते, ग्रेजुएट होते कि नहीं होते। अब रोजगार कहां से आएगा साहब, नहीं है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जॉब देने वाली माना जाता है रेलवे, इंडियन रेलवे सेकंड नंबर पे आती है, सिर्फ 14 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं उसके अंदर, कहां से आएगी नौकरियां सोचो। अब यहाँ पे एक इंसान इस बिजनेस के अंदर आता है, खुद तो रोजगार में आता ही आता है, दूसरा दूसरे के लिए रोजगार क्रिएट कर रहा है, तो है बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या करके बिना इन्वेस्ट करे सिर्फ एक दुकान बदल के यही है कि नहीं है, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट भी आज इस पर बहुत साथ दे रही है, ठीक है जी, बट हमें पहचानना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत। पता चला कहीं 2 साल लगा दिए आपने, मेहनत करी 3 साल लगा दिए और 3 साल बाद 0 भाई निकल के आदमी बन होता है ना, फिर भ्रष्ट हो जाते हैं भाई, अब तो लग गए अब नहीं बसती है, ऐसा होता कि नहीं होता। तो आज के टाइम में कंपेयर करना बहुत जरूरी है क्या सही है क्या गलत। मैं आपको 2-3-4 पॉइंट बताऊंगा, वो ध्यान में रखना जब भी आपको कोई ऐसा पर्सन मिले, और अपनी टीम में भी जरूर बताने का उसको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनकम जो है वो ज्वाइनिंग पे नहीं आनी चाहिए। जहां भी ज्वाइनिंग लगाने से इनकम आती है मतलब वो गलत है, फेक। सपोज करो आपको किसी ने बोला कि भाई बस एक ही बार 15,000 रुपए देने हैं, होता कि नहीं होता, भाई बस एक ही बार 20,000 रुपए दे रहे हैं और उसके बाद आपको कभी पैसा नहीं लगाना, जिंदगी में पैसा आएगा, मतलब वो गलत है, फ्रॉड है। जब तक आप दूसरे के 15,000-20,000-30,000 नहीं लगवाओगे, बार बार नहीं लगवाओगे, जब तक लगवाते रहोगे तब तक आएगा, जिस दिन लगना बंद उस दिन पैसा बंद। और उसमें क्या, लेकिन हम ना समझते नहीं है, कई चतुर लोग इस चीज को समझते हैं, आपके 15 ले लिए, उस 15 में से आपको 1,000 रुपए वापसी दे दिए, 14,000 रुपए घुमा रहे हैं, आप ही के पैसे को आपको देते हैं, वो फ्रॉड है। मतलब सिंपल सा है, जहां ज्वाइनिंग लगाने से पैसा आता है वो गलत है। कल को आपको कोई मिल जाए मार्केट में पैसा, बस वही पॉइंट देख लेना, एक पॉइंट पूछ लेना, फिर उसको भगा देना भाई, तो आप निकल। क्लियर जी, पहला पॉइंट ये, इनकम आनी चाहिए टर्नओवर सेल, बिना सेल करे बिना टर्नओवर आप पैसा नहीं कमा सकते किसी भी चीज। क्लियर, ठीक है, यहां पे हम टॉप पे आते हैं साहब। अब दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट के अनुभव का, यहां पे हम टॉप पे आते हैं, ठीक है, अनुभव। आजकल कई लोग क्या करते हैं कि 1 साल किसी कंपनी में काम करा, 2 साल किसी कंपनी में काम करा, भाई मैं भी पॉलिसी बनूंगा, सोचते नहीं सोचते, पॉलिसी को नौकरी करते थे पहले, आज देखो किस लेवल पहुंच गए, क्या नाम है, मैं भी तो कंपनी खोलूं, उन्होंने थोड़े से पैसे लगा कंपनी चलाई थी, लेकिन ये नहीं देखते उनका अनुभव क्या था, उनका विजन क्या था, उनका गोल क्या था, ठीक है। आते हैं लोग और 1 साल उससे ले ली, उसने लेके हम भी डायरेक्ट सेलिंग बन गए, कुछ पता नहीं है, कुछ गोल नहीं है, कुछ नहीं है, 1-2 साल करेंगे और समेटेंगे, फिर चलते बनेंगे, फिर हम क्या करते हैं मार्केट में नेगेटिविटी डालते हैं। अब मैनेजमेंट का अगर अनुभव की बात सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं, आप किस दिन प्लेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, अब प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है, बैठते हिसाब है ना, एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि आज इस प्लेन को ये वाले पायलट उड़ाएंगे, यहां से ब्रोम करते हैं, को पायलट हमारे ये है, एक एयर होस्टेज ये है, एक एयर होस्टेज ये है, ठीक है, अनाउंस होता है नहीं होता, फिर वहां पे अनाउंस होता है कि आज हमारे जो पायलट थे उनकी तबियत खराब है, बट आज हमें ये खुशी भी है कि इस प्लेन के अंदर अमिताभ बच्चन जी मौजूद हैं, सदी के महानायक, आज इस प्लेन को ये उड़ाएंगे। आप बैठेंगे क्या? नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री के महानायक है ना, अपनी इंडस्ट्री के महानायक को प्लेन उड़ाना नहीं आता। तो ऐसे वाले लोग बहुत, आज अपने मैनेजमेंट की बात करें, बालाजी के एक्सपीरियंस की बात करें, खूब स्टडी कर लेना, जिसके साथ आप आए हो अच्छे से पढ़ लेना, उनसे पूछ लेना उनका प्रोफाइल, इतना भारी भरकम प्रोफाइल है, मैं बताऊंगा तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे बता दो साहब। हमारे मैनेजमेंट का हम टॉप पे आते हैं। एक तीसरी चीज, कमाने वाले कितने साहब, कमाने वाले कितने, आज अपने यहाँ पे इतने कमाने वाले, इतने कमाने वाले, इतने कमाने वाले, स्टोरी बताना चालू करो तो लोग बोलेंगे फेंक रहा है कि नहीं है, आज कितने कमाने वाले हैं, ठीक है, ऐसे लीडर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम टॉप पे आते हैं। चौथी चीज, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा हो, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बार 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 आपके यूज करने के लायक हो, बार बार यूज हो, तो आपकी यूज करना उसकी मजबूरी हो,
ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी वो डिफरेंट होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि आपको भाई सिर्फ एक ही बार एक हेलीकॉप्टर खरीदना है, जिंदगी भर पैसा भेज पाओगे क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आज हम उसमें भी टॉप पे आते हैं, जितने पॉइंट हैं सब पे टॉप पे आते हैं। और इसमें मैं जोरदार ताले चाहूंगा वेस्टीज को। आपको सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया 90% 10% क्या होता है, अमीर लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, उनका थॉट प्रोसीजर क्या होता है, मेरे पेपर कटिंग दिखा दी, सब कुछ क्लियर हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग का पता चल गया, कंपनी का पता चल गया। अब आप प्राउड फील कर रहे हैं कि वाकई में सही कंपनी में हूं। कर रहे नहीं कर रहे, कंपनी में आने के बाद क्या करने का है? सबसे पहले जो करना है वो करना है गोल सेटिंग। कई लोगों के गोल ही नहीं होते साहब, आ तो गए लेकिन हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता नहीं, नहीं होता, करते हैं ऐसे नहीं करते। अच्छा कहाँ आ जा रही है, करते हैं नहीं करते? यस करते हैं, एग्री कर रहे सारे के सारे लोग। दोस्त ट्राई नहीं कर रहे क्या? सबसे पहले गोल फिक्स करना है कि आपको कहां पहुंचना है। जैसे मैं बोलता था स्टार्टिंग में कि भाई आज 55 है लेकिन दिसंबर 2017 मेरी इनकम होगी यहाँ पे 1,00,000 प्लस। फिक्स था, हुआ कि नहीं हुआ? गोल फिक्स था। इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप कैसे नहीं कर सकते, मैं और आप कैसे नहीं कर सकते? फिक्स, अपने ऊपर डाउट नहीं करना। देखो करना मुश्किल नहीं है, सोचना बहुत मुश्किल है कि नहीं है? करना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल, लोग सोच नहीं पाते। तो यहाँ पे अगर आज तक नहीं सोचा 1,00,000-2,00,000 के बारे में, वो बात अलग है। मैंने भी नहीं सोचा था कि 5,00,000-10,00,000 रुपए महीना कमाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आते ही सोच बदल गई। जब इतने कर सकते तो मैं कैसे नहीं कर सकता? अपने आप को रिलेट करना, एक सोच बनाना, एक गोल फिक्स करना, ढूंढ के कि मुझे कितने दिन बाद कितने इनकम चाहिए, वो फिक्स गोल करना, बिल्कुल फिक्स। जब फिक्स होगा और उसके बारे में आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, तब भी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर एक गोल फिक्स नहीं हुआ ना, आपका टारगेट फिक्स नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको 10-20-30 लोग मना करेंगे, फिर आप क्विट कर देंगे इस बिजनेस को, क्योंकि इस बिजनेस में ना सुनने के पैसे आते हैं, ना सुनने के, ठीक है। जब आपका गोल फिक्स रहेगा, उस गोल को आपने लिख लिया, आपने लोगों को बता दिया, रिश्तेदार को बता दिया कि भाई ये यहां से मैं अचीव करूंगा, तो आपको लोग चाहे कितने मना कर दें, आप रुकने वाले हैं क्या? नहीं रुकने वाले। इसलिए फिक्स कि ये चाहिए, ऐसा फिक्स होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपको नैनीताल छुट्टियां घूमने जाना है। क्या लोग जाते नहीं जाते? सर्जन जाते हैं ना, अच्छा मौसम रहता है, ठीक है। अब नैनीताल छुट्टियों में जाना है आपको, हम आरएनडी करते हैं 1 साल पहले 2 साल पहले कि भाई उस ट्रेन में जाएंगे, ऐसे जाएंगे या उस टैक्सी से जाएंगे, वहां उतरेंगे, उस होटल में उतरेंगे, वहां रुकेंगे उस होटल में, सुबह वहां से वो गाड़ी लेंगे, वहां घूमेंगे, उस झील में जाएंगे, उसके बाद इतना ट्रैवल करेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, फिर वापसी पैकिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम दिल्ली आएंगे, रात को इतने बजे पहुंच जाएंगे और सुबह फिर 8 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे। होता नहीं होता भाई साहब? एक से दो दिन की छुट्टियों के लिए आरएनडी करते हैं 6-6 महीने 1 साल तक, करते नहीं करते? अपनी जिंदगी में कहां जाना कभी आरएनडी करिए क्या? अपने आप से पूछ लेगा, लगे हुए हैं अब तक नहीं सोचा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त आज सोच लेना, आज फिक्स कर लेना, अब तक कोई गलती नहीं है। अब अगर अब भी नहीं सोचा तो अब गलती। दूसरा, सपोज करो हम घर बनाते हैं, ठीक है, कितने सालों तक आरएनडी करते हैं, यहां बनाऊंगा, इस कॉर्नर में बनाऊंगा, ऐसा होगा, इतना ऊंचा होगा, बेडरूम इतना बड़ा होगा, यहाँ पे मॉड्यूलर किचन होगा, यहाँ पे चिमनी लगाऊंगा, ऐसे होगा, डाइनिंग टेबल ऐसी होगी, सोफा ऐसा होगा, टीवी इतना बड़ा लेके आऊंगा। सोचते नहीं सोचते? इतना बड़ा बेडरूम होगा, बच्चे यहाँ स्टडी रूम भी होगा, सोचते नहीं सोचते? सोचते हैं। कई सालों तक आरएनडी करते हैं एक छोटे से घर के लिए, एक निजी चीज के लिए, लेकिन साहब जिंदगी में कहां जाना है कभी आरएनडी नहीं। ये हकीकत है हमारे जीवन। एक्चुअली आज अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है, अपनी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हमें लगता है कि चाहे सारे लोग विदेश यात्रा कर लें, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? एक चीज क्या बात है, बाकी ने क्यों नहीं बनवाया? सोचो, उनको लगता है कि कोई जाए पर मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, है ना, यही लगता है ना। तो सोचना जरूरी है फिक्स। तो दोस्तों एक गोल फिक्स करना है इस बिजनेस में आने के बाद, भी मुझे ये चाहिए, बिल्कुल फिक्स करना है। अब आपका गोल फिक्स हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? कमिटमेंट। एक गोल फिक्स हो गया, अब करना है आपको एक कमिटमेंट करना है अपने आप से, इस सिस्टम से। वो कमिटमेंट क्या करना है? वो ये है कि 3 साल किसी भी उम्र के, कम से कम 3 साल। देखो होने कुछ भी हो सकता है,
मैं 15 साल के अंदर आपके सामने खड़ा हूँ, आज 5 लाख रुपए इनकम, कुछ भी हो सकता है, आप मुझसे बड़ा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क में बहुत पैसा डिपेंड करता है कि आप कैसा कैसा काम करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, ये कुछ भी संभव है, लेकिन 3 साल का कम से कम कमिटमेंट चाहिए, फिक्स। पहले साल सीखने का है, फिर सिखाने का है, फिर कमाने का है। दोस्त एक ग्रेजुएशन भी होती है, 3 साल लगते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है सर? कोई फिक्स नहीं है, वो भी लोग ढूंढते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, होता कि नहीं होता? मुझे तो अपना पता है, जब नौकरी जाती थी मेरी, मुझे 6 महीने लग जाते नौकरी ढूंढने में दूसरी, हकीकत में ये सच्चाई है। आज एक इंजीनियर बनता है साहब, 4 साल लगता है आईआईटी करने में, आईआईटी 4 साल में होते कितना खर्चा होता है? दिल्ली को जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो लगभग 10 लाख रुपए है आईआईटी, ऐसे ही है ना, 10 लाख रुपए ना, और 4 साल लगते हैं, 10 लाख रुपए लगते हैं, 4 साल लगते हैं आईआईटी करने के बाद, साहब कितनी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी? मैं ये नहीं कर रहा आईआईटी नहीं करो, करना है, पढ़ना है, लेकिन जो नहीं कर पाया उसके उसको तो भाई कुछ चाहिए ना, नहीं कर पाया उसको तो कुछ करना है कि नहीं करना, ठीक है। अब कितनी सैलरी मिलती है साहब? 30,000, 35,000, 40,000, इतनी होती साहब? नहीं होती। बीटेक करने के बाद आज के टाइम में 20,000 की नौकरी मिलती है, ये सच्चाई है, फैक्ट है कि नहीं है? अब सोचो उसने 4 साल लगाए, क्यों? अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए। अब वो एक प्लांट को रन कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता? अब उसके अंदर क्या है? सेव है माइंड के अंदर, जो उसने आईडी करी है वो प्लांट को रन कर सकता है। अच्छा, उसने 20,000 रुपए महीना लगाए, अगर कंपेयर करेंगे तो 20,000 रुपए महीना किस पे लगाया? अपनी एजुकेशन पे, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए। कितने साल तक? 4 साल तक। सैलरी क्या मिलेगी कुछ नहीं पता साहब, यहाँ पे आप कितने रुपए कमाने जाएंगे अभी स्कूलिंग के बाद? उनकी इनकम 6 साल के अंदर 5.5 लाख रुपए है, आप भी कितनी होनी चाहिए 6 साल के अंदर? सोचो, ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, उनसे उनसे ज्यादा होनी चाहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग बहुत सारे है कि नहीं? तो कम से कम 1,00,000-2,00,000 महीना कमाने आएंगे नहीं आएंगे? अब जब वो एक आईआईटी वाला 20,000 रुपए महीना लगाता है अपनी एजुकेशन पे 4 साल तक 35,000-40,000 रुपए कमाने के लिए, तो आपको 1,00,000-2,00,000 रुपए महीना कमाने के लिए 4 साल तक आपकी एजुकेशन में कितना लगना चाहिए साहब? कंपेयर करो तो लगना चाहिए 20-30-40-50,000 महीना लगना चाहिए? नहीं लगेगा। बिल पता कितना लगेगा? आज कितना लगा? 150 रुपए ना, यही लगेगा बस। ₹21,000 पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते जब घड़ा भर जाएगा आपके ज्ञान का चल जाएगा ना, कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, पढ़ते पढ़ते इनकम लाख हो जाएगी, बस पढ़ने का कमिटमेंट कर लेना, ग्रोथ के एजुकेशन सिस्टम में आने का कमिटमेंट कर लेना। 3 साल फिक्स साहब, दूसरा पार्ट टाइम और फुल टाइम, इस पर टाइम नहीं करने का बिल्कुल। गलती करते हैं हम शुरू में, देख जब टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? इस पर टाइम नहीं, पार्ट टाइम या फुल टाइम। पार्ट टाइम बोले तो डेली एक्स, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ो, नहीं, स्टार्टिंग पैसा नहीं आता, बहुत कम पैसा आता है, आपको बिल्ड करना होता है, सब सीख रहे होते हैं, बट आप लगातार इसमें 1-2 घंटा दें, शिद्दत से दें। अब कई लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम को चुराना पड़ता है, जहां पे आप टीवी देखते थे उस समय में आप काम करो, होता कि नहीं होता? जहां पे आप रिश्तेदारी में जाते थे, मत जाओ ना, क्या दिक्कत है? मुझे 2.25 साल हो गए, मैं आज तक किसी रिलेटिव रिश्तेदारी में नहीं गया, किसी शादी ब्याह में नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तब भी हुआ ऐसा, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता दी थी। मुझे लोग मुझे ये भी कहते होंगे अंदर अंदर, मैं समझ सकता हूं कि भाई ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन जब वो जानेंगे इस चीज को सब समझ जाएंगे, मेरी जो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है सिर्फ बिजनेस है। बिजनेस में आने से पहले मैं घर में बहुत बात करता था मम्मी से, ठीक है, क्योंकि फैमिली गांव में रहती है, मेरे भाई भी यहाँ पे रहते हैं, मेरी हैबिट थी कम से कम 2-3 घंटे जब तक मम्मी से बात ना हो जाए, मतलब जब भी फ्री रहूंगा तुरंत घर फोन, फ्री रहूंगा तुरंत घर फोन, ये मेरी हैबिट थी। लेकिन जिस दिन से एक्सपीरियंस में आप बात बिल्कुल बंद हो गई, थैंक यू, ये बढ़िया है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, ना हुआ मतलब क्या, मन का हुआ तो
अच्छा बन गया था, बहुत अच्छा, ग्रेट, सीख गया, याद हो गया जी। तुम्हारा कहां पे था? बुलवाया पाटम, हाँ प्राथमिकता की मैं बात कर रहा था जी। मेरी जो प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। क्योंकि जब एक दिन मैं भी सक्सेस सेमिनार में बैठा था, सिद्धार्थ जी ने एक बात बोली थी कि 2 साल 3 साल 4 साल ना सब कुछ भूल जाना, बच्चों का बर्थडे वर्थडे सब कुछ, एनीथिंग भूल जाना, होली दिवाली बोला, बोलते नहीं बोलते, कई लोगों ने देखा भी, सुना भी, वीडियो भी देखे होगी वाली, मैं सब कुछ भूल गया। तब से ना मैंने आज तक होली मनाई है ना दिवाली मनाई है, कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, वेस्टीज बिजनेस। मेरे फोन में चलता तो सिर्फ वेस्टीज चलता, कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। तब से सवा 2 साल के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कोई मूवी नहीं देखी साहब, मत करना विश्वास। अरे रियल बता दूं तो मैंने 2.5 साल के बाद मैंने अभी एक मूवी आई है सिम्बा, अभी मुंबई गया हुआ था काम करने, प्लान दिखाने के लिए, तो वो मुझे जबरदस्ती लेके रात को 12 बजे वो मूवी देखे, बल्कि वो मूवी देख रहे थे और वो परेशान हो रहे थे, बार बार कह रहे थे भाई तुम यार देख तो लो, मैं अपने मोबाइल लगा पड़ा बोलो करने के लिए आराम से बैठा हुआ रियली, तब भी मैंने सही से नहीं देखी। तो मेरी प्रायोरिटी के लोगों के बर्थडे आता है, बेटी का बर्थडे है भाई, बर्थडे भाई काहे का बर्थडे, छोटी बेटी है मेरी, बेटी भाई साहब आज 3.5 साल की हुई है, आज बर्थडे नहीं मनाया क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, उसको याद रहेगा क्या जब वो 12 साल की होगी, तब उसकी कोई डिमांड रहेगी तो तब कैसा लगेगा। लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो 12 साल 15 साल की होगी ना, जहां वो डिमांड करेगी, जिस कंट्री में बर्थडे मनाना है वहां बर्थडे उसका होगा, तब कैसा लगेगा। कुछ सैक्रीफाइस होंगे, कुछ छोटे छोटे सैक्रीफाइस होंगे, क्या होंगे, तो आपका टीवी देखना बंद हो जाएगा साहब, आप टीवी नहीं देख पाएंगे बिल्कुल भी। दूसरा आपका सैक्रीफाइस ये होगा आपकी नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि पार्ट टाइम में क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना, टाइम बाई टाइम खाना खाएंगे, ट्रैवल आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, आप थकेंगे, ये सारे छोटे छोटे सैक्रीफाइस करने वाला बाकी तैयार है, और ये 3 साल कमिटमेंट देने को तैयार है, तो साहब कोई नहीं रोक सकता 3 साल बाद आपकी इनकम 3 लाख कम होने से। तो स्पेयर टाइम बिल्कुल नहीं करना, पार्ट टाइम और फुल टाइम, मुझे विश्वास था अपने पर, तभी तो मैंने 4 महीने बाद नौकरी छोड़ दी थी, इसीलिए। तो आप भी विश्वास करो, अपने आप को किसी से कम मत आना साहब, कभी भी कम मत आना, ये मत सोचना कि उसने कर लिया मैंने कर लिया पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मेरे पास 10 की 4 है, 4 है, जब मैं कर सकता तो आप नहीं कर सकते क्या, सोचो इस एटीट्यूड से करना, मुझसे बढ़िया करना है साहब, ठीक है। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, एक ही फॉर्मूला, ये दुनिया के सफल लोग कहते हैं, वो क्या है, ड्रीम प्लस प्लेटफॉर्म प्लस एजुकेशन प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, यही फॉर्मूला, इसको कोई झुठला नहीं सकता। सबसे पहले आपके पास आपका ड्रीम, आपका एक सपना होना चाहिए, अगर सपना नहीं है तो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, जब सपना ही नहीं है। अच्छा, हम जो जितने भी लोग हैं ना, वो सबके सब बॉस के डंडे पे चलते हैं, फैक्ट है कि नहीं है। अगर ऑफिस के अंदर वो मशीन ना हो, आजकल तो मशीन लगी हो, ऊंगा लगाते हैं, है ना, अगर वो मशीन ना हो तो क्या हम टाइम पे पहुंचेंगे क्या, अगर टारगेट ना हो तो क्या हम टाइम पे पहुंचेंगे क्या, कभी नहीं पहुंचने वाले हम। किस दिन पता चल जाए कि आज वो बॉस नहीं आ रहा, मशीन नहीं है ऑफिस के अंदर, आज लेट आएगा तो लेट जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना, जल्दी निकल जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली हम क्या है, बॉस के डंडे पे चलते हैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और यहां पे अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है ना, तो आपका बॉस कोई नहीं है। अपलाइन जो है कोई बॉस है क्या, नहीं, अपलाइन सिर्फ आपको अप्रिशिएट कर सकता है, समझा सकता है, 2 बार 4 बार फॉलो कर सकता है, आपको बोल सकता है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे, जिसको करना है वो किसी दूसरे को पकड़ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर काम करना है तो अपना जो आपको वो बनाना होगा, बॉस जो बनाना होगा, अपने एक सपने को बनाना होगा, ड्रीम को बनाना होगा। अगर आपके पास एक बड़ा ड्रीम है, एक सपना है, तो वो आपके बॉस का काम करेगा। ड्रीम होना बहुत जरूरी है, वही गोल सेटिंग, गोल से रिलेट करता है। दूसरा प्लेटफॉर्म, सपना तो आपका बड़ा है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए। अब ऐसा प्लेटफॉर्म, और ये वाला प्लेटफॉर्म क्या है ऐसा, जो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। यस। तीसरा, आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन होना बहुत सफल लोग ये कहते हैं। अगर आपको किसी चीज में ऊंचाइयां हासिल करके, तो उसको उसकी जानकारी आपको जड़ से लेकर बुलंद तक, पत्ते तक होनी चाहिए, होते हैं एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद वर्क। अब इसमें दो चीज तो आपको वेस्टीज दे देती है, दो चीज आपके पास होनी चाहिए, ड्रीम आपका होगा और काम आपका होगा। प्लेटफॉर्म आपको वेस्टीज ने दे दिया कि नहीं दिया, और दूसरा एजुकेशन आपको मिल रही है, ग्रोथ से मिल रही है और वेस्टीज से मिल रही है।
मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी साहब, 100% मिलेगी, बट सोचने की हिम्मत तो करो। अगर आगे बात करूं थोड़ा सा, what to do in direct selling profession? अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? Enhance your knowledge and skill. Enhance your knowledge और skill आपको enhance करने पड़ेंगे, आपको बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या? About direct selling industry. Direct selling industry क्या है? जैसे मैंने भी आपको कुछ सारी चीजें बताई और आपको इस पे study करनी है, बहुत सारी बुकें भी बाहर आती है, आपके employees आपको अच्छे से बैठ के बताएंगे कब इंडिया में आई, क्या रेशियो है, क्या सही क्या गलत, मतलब अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और दूसरा वेस्टीज सिस्टम। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज ही क्यों, कोई दूसरी क्यों नहीं, वेस्टीज ही क्यों, हम ही बेहतर क्यों है? भरपूर ज्ञान। दूसरा अबाउट वेस्टीज प्रोडक्ट, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बार बार किसी को धोने दे दिया, अगले दिन उसको लूज मोशन हो गए, होता कि नहीं होता? अब इस बार ना खाने से लूज मोशन होते नहीं होते, बुखार भी चढ़ जाता है, बार ये टॉक्सिस बाहर निकलते हैं, है ना? तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अबाउट लीडरशिप स्किल, आपको लीडरशिप स्किल बढ़ानी होगी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी चीज आप तो सीखने को तैयार रहो। अब मुझे भी बोलना नहीं आता था, मैं बड़ा साई नेचर का था, मेरे घर वाले रिश्तेदार ये बोलते यार बड़ा सीधा यार, पता नहीं बाहर जाकर कैसे काम करेगा, इसको तो बोलना ही आता। कोई रिश्तेदार घर में आते तो एक बार राम राम करके चुप जाता था। रियली बिलीव करना, ये सब सीखा मैंने यहाँ क्योंकि इच्छा थी, सब यहाँ सिखाया गया मुझे, उंगली पकड़ पकड़ के भाई ऐसे खड़े होकर बोलना है, ट्रेनर ट्रेनर करनी है, इस तरीके से खड़े होकर बोलना जबरदस्ती। पहले दिन खड़ा हुआ था कान लाल हो गए थे सर 10 लोगों के सामने, रियली। और ऐसा पेन हो गया था, ऐसा पेन हो गया था कि शाम तक कई पेन खाई थी, ठीक नहीं हुआ था, बट करना था, इच्छा थी, करा लगातार, करा लगातार, करा करते 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 आज आपके सामने खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, एक दिन आप भी खड़े होंगे। अपने खर्चा भी करते हैं, लंदन बन जाते हैं, दुनिया के टॉप के ट्रेनर से सीखते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्चा करके आते हैं, उसका क्या करते हो, यहां पे आके बांट देते हैं ना, सीखो तभी तो हो रहा है, तभी तो इस तरह हो गया। तो ये काम सीख के हमें अपने पास नहीं रखने का है साहब, ये हमें आगे शेयर करना है। अब ये प्रोफेशनल अप्रोच कैसी होनी चाहिए शेयर करने की, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। अब शेयर करना ऐसा नहीं कि आप इसको सीख के रहे वैसी बर्बली आप बता रहे हो लोगों को, आपको नॉलेज है, आप सीखे सब कुछ। अब राजनीतिक लोग कैसे बता सकते हो कि हेलो जी ये वाला बिजनेस ऐसे ऐसे इसमें इसके अंदर मैं इतना कमाता हूँ, ये वाला ये है, आप भी कमा सकते हो, मानेगा क्या? प्रोफेशनल अप्रोच सबसे पहले स्टार्ट होती है आपके अपीयरेंस से, आपके कपड़े से, आपके पहनावे से, ये होते हैं प्रोफेशनल अप्रोच। सपोज करो आपने जींस पहनी है फटी हुई, वो वाली फटी हुई नहीं आती चल रही है ना, है ना, फैशन वाली, ठीक है, यहाँ से घुटने बाहर निकले हुए टोले सोले बढ़िया बना रखे हैं, पर्सनैलिटी ठीक है। आपने टी शर्ट पहनी हुई है, अच्छी सी फंकी सी टी शर्ट पहनी हुई है और बाल ऐसे कलर कर रखे और एक साइड से खड़े कर रखे हैं, होता है ना, है ना, और कॉलर ऐसे खड़े हैं आपके, ठीक, फंकी वाले जूते पहने हुए हैं, मतलब फुल फंकी और दाढ़ी आजकल चल रही है ना, ऐसे बढ़ा के रखना है ना, कर रहा ना, ऐसे वाली आपकी हालत है, मतलब आप, मैं नहीं कह रहा, मॉडल लग रहे हैं, ठीक। तो जेब में आपने एक फॉर्म रख रखा है पीछे वेस्टीज का, इस जेब में, ठीक। और तब आप कहते हो देखो जी मैं ऐसे सिस्टम के अंदर आया जहाँ पे लोग 1 महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं तो कमाऊंगा, एक साल बाद एक दिन आप भी कमाएंगे, वो आपकी तरफ देखेगा, अच्छा विश्वास करेगा क्या? अगर आपने प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, आपने, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा व्हाइट शर्ट पहन कर रखो, लेकिन प्रोफेशनल में रहो, ब्लैक जूते में रहो, पुलिस आपके पीछे होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, नहीं गलत, ये पुराना हो गया, लास्टिंग इंप्रेशन। एक बार आप किसी से मिलते हैं ना, लास्टिंग काफी दिनों तक रहता है, वो खत्म नहीं होता, लास्ट प्रोसेस में खत्म नहीं हो, लास्टिंग काफी दिनों तक रहता है। तो आपका अपीयरेंस, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच, आपके पास टूल्स, आपका बैग, आपका बैग खराब है, गंदा है, चाहे उसकी पट्टी है, आपका पेन किस तरीके का, आपके पास टूल्स कैसे हैं, वो सब महत्व करता है आपकी प्रेजेंटेशन, वो सक्सेस होने वाली है कि फेल होने वाली है। आपके बैठते आपका बैग रखते ही पता चल जाता है कि वो इतना जो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन मेथड, ये कैसा होना चाहिए, 1-to-1 सबसे ज्यादा रेट आते हैं 1-to-1 में, 1-to-1 बहुत ज्यादा करने का, ज्यादा ग्रुप के अंदर अगर हम मीटिंग करते हैं तो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है, अगर आगे बात करूं मैं, गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस, इस दुनिया के अंदर यही 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहला 100% यूज द प्रोडक्ट, 100% यूज द प्रोडक्ट। कई लोग बड़े चतुर होते हैं, भाई क्या करना यूज करके, है ना,
क्या करना यूज करके अगर तुम यूज तो कराई दूसरे घर में आकर देख रहा है ठीक है। मैं भी कई बार देखता हूँ कई लोग ऐसे चतुर मिलते हैं, मैं किसी घर गया और बिजनेस कर रहा था काफी दिन से ठीक है, ग्रोथ उसकी होल्डिंग में अपना दिमाग भी लगाता था। मैं एक दिन गया और वॉशरूम के बाहर उसके वॉशरूम में घुस गया, देखा शैम्पू दूसरे कलर के रखे हुए हैं दूसरी कंपनियों में, कहाँ से मिलेगा यार, खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं तो खुद ही यूज नहीं कर रहे तो कैसे होगा सर। तो 100% फ्यूचर सप्लीमेंट भी खाने हैं, रात को सप्लीमेंट खाना बहुत जरूरी है, 100% यूज करना है। आगे अगर बात करूं शेयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको शेयर करनी है कि इन प्रोडक्टों को यूज करके इतने लोग पैसा कमा सकते हैं या कमा रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको शेयर करना है, क्लियर है। और तीसरा सबसे बड़ा जो गोल्डन रूल है इस बिजनेस का वो ये है सेल द इवेंट, सेल द इवेंट। देखो होम मीटिंग करने से प्रेजेंटेशन करने से वो एक बेस है बिजनेस का, वो कभी बंद नहीं हो सकती, बट होम मीटिंग करने से लोग तो आपकी टीम में बहुत आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, बहुत भीड़ आएगी, बट जो लोग लीडर क्रिएट होंगे जिनका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा वो होगा इवेंट से। अपना बिजनेस आधारित है सिर्फ और सिर्फ इवेंट पे, सिर्फ और सिर्फ इवेंट पे, ऐसे ऐसे माहौल से सही से बता लेते यार। अब क्योंकि अभी आज यहाँ पे कई सारे नए लोग आए हैं, विश्वास बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसी तरीके से अब किसी के साथ 10 लोग आए, सोचो अच्छा 1% तो आया अकेला ठीक है, उसका विश्वास बढ़ा, क्लियर है, और 1% के साथ 10 लोग आए हैं, बिजनेस किसका जल्दी बढ़ेगा, दशा है मतलब सेल द इवेंट आपको भी करने का है साहब, सेल द इवेंट। जामू का ट्रेनिंग सेमिनार तो नहीं छोड़ने का, मैंने आज तक नहीं छोड़ा, आज तक मैंने नहीं छोड़ी। कई लोग बहाना मारते हैं भाई आज तो मेरी होम मीटिंग है, भाई सक्सेस सेमिनार का ही कर रहा है, मैं शाम को कर लेता यार, पोस्टपोन कर ले, आज तक मैंने नहीं छोड़ी। परेशानी मुझे नहीं आती होंगी यार, दिक्कतें मुझे नहीं आती होंगी यार, आती होंगी, मेरा भी घर परिवार सब कुछ, लेकिन हम मैनेज करते हैं, पहले प्रायोरिटी क्या है बिजनेस, इवेंट सबसे पहले, सक्सेस सेमिनार सबसे पहले, तो आपको इवेंट को सेल करना है। अगर मैं आगे बात करूं स्पॉन्सरिंग इज लाइक, इस तरीके से आपको स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर करने के बाद गिविंग बर्थ है बेबी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आपने किसी नए पर्सन को बिजनेस के अंदर लेके आए तो उसको भी कुछ नहीं पता, माँ को नींद नहीं आती है, जितना छोटा बच्चा होगा माँ पूरी रात नहीं सोती, जरा सा हिला देखते कि हाथ ना जब दब जाए, ये ना हो जाए, होता कि नहीं होता, मतलब उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी, पर जब हम अपने बिजनेस में किसी को लेके आते हैं तो उसकी आपको स्टार्टिंग में उतनी ही केयर करनी है, उतना ही सिखाने का है। हम क्या करते हैं एक बार प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद छोड़ दिया, फिर बात करते हैं 10 दिन बाद, तब तक वो 4 लोगों को प्लान दिखा चुका होता है और फिर आपका फोन नहीं उठा रहा होता, फिर वो कहता है कि आजकल ऑफिस के अंदर ना बॉस गया हुआ है तो काम वर्कलोड मुझ पर बढ़ गया, दिक्कत कुछ और थी, एक्साइटेड था, ज्वाइन भी हुआ करना, आपको लगा भी काम करना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, उसने कहीं 2-4 जगह फोन करा, उसने बोल किसी आगे से बोल दिया भाई कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, वैसे मेरे मामा के ताऊ के फूफा ने भी करा था बेकार, आपको उससे दोबारा मीटिंग करनी है। तो पहली बार में ना लोग फिल्टर लगा के बैठते हैं, पहली बार ना आप किसी को प्लान समझाते हो उनको ये लगता है यार ये तो वैसे वाला है, तो जितना वो चाहते हैं ना सुनना वो इतना ही सुनते हैं, क्लियर है। अगर वो ज्वाइन हो गए उनको लगा ठीक लगा, अब दूसरी बार उनसे आप बैठोगे मिलोगे ना तो उस समय पूरा दिमाग खोल के बैठेंगे, पहली बार में उनको ना सिद्धार्थ सर का नाम भी याद नहीं होगा, पहली बार में उनको बाली जी का नाम भी याद नहीं होगा, किसी का नाम याद नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में उनको आप रट्टा लगवाओगे, फैक्ट है सच है कि नहीं है। तो दोबारा जल्दी मिलने का है और उनको दोबारा से समझाना है, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा केयर करनी है आपको, स्टार्टिंग में वीडियोज सेंड करनी है, उनको दिखाना इंडस्ट्री के बारे में सारी चीजें, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, प्रॉपर केयर टू ग्रो, अरेंज प्रॉपर नॉलेज उनको देनी है, गाइड फॉर अवॉइडिंग मिस्टेक, गलतियां बहुत जल्दी होती हैं, लोग आते हैं एक्साइटेड हो गए तुरंत यूट्यूब पे सब कुछ मिलता कि नहीं मिलता, बहुत सारे लीडर्स ने वो बहुत वीडियोज भी डाल रखी है, मतलब सही चीज को लो ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं यूट्यूब से देखा ले भाई तुरंत बारह लाख TCV, होता कि नहीं होता, वो लोग कोई टेंशन नहीं है आगे मेंटेन करने में तुरंत आठ खोलते हैं, होता कि नहीं होता, नहीं करने का। अब यहाँ पे लोगों को किस तरीके से बुलाया गया, जिनकी इनकम 5,000 से लेकर 25,000 के बीच में प्लीज कम होता है स्टेज, जिनकी इनकम 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में प्लीज कम होता है स्टेज, जिनकी लाख के ऊपर एक बार स्टेज का जाओ, होता कि नहीं होता, किसी को लेवल तो पता नहीं चला। तो एक वेस्टिज के अंदर ये भी इतिहास रच दिया ग्रोस ने सिद्धार्थ सर ने कि अगर रिकमेंडेशन होगा मान सम्मान होगा तो पैसे का होगा, क्योंकि सपने पूरे पैसे से होते हैं लेवल से नहीं होते। तो
लाइन ओपन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से लाइन ओपन करनी है, अपलाइन की गाइडेंस में ही करना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, पहले दिन 8 या 12 लाइन नहीं बोलनी है, जैसे अपलाइन कहे वैसे ही करना है, ठीक है। लेवल के लिए काम नहीं करना, और उसके लिए करना है इनकम के लिए, ठीक है। मेरी डायमंड की जो इनकम थी वो थी 3,29,000 रुपए, कम थी क्या? ठीक है। अभी ग्राउंड में मेरी इनकम जाएगी, कम से कम मुझे लग रहा है 6 से 7 लाख रुपए मेरी इनकम जाएगी ग्राउंड में। कैसा रहेगा, मजा आएगा नहीं आएगा जी? अब सपोर्ट एंड इनकरेज फॉर सक्सेस, ठीक है। आगे अगर बात करूं रिलेशन ऑफ डाउनलाइन एंड अपलाइन, बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब जैसे मेरे पास 4 मार्कशीट है ना, और किसी को बीटेक वाले को किसी पढ़े लिखे को प्लान दिखाता हूँ, उसको पता चल जाएगा कम पढ़ा लिखा है, कुछ दिन बाद तो क्या सोचेगा इसने तो करा ही करा, मैं इससे भी ज्यादा बेहतर करूँ, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। सब समझदार कौन मैं, ठीक है। लेकिन अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, रेस्पेक्ट और कॉम्पिटिशन कभी नहीं करना। कई लोग ना कॉम्पिटिशन करने लगते हैं अपने क्लाइंट से, करते नहीं करते, कई लोग कॉम्पिटिशन लग जाते हैं, कई लोग को ना जेलसी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, कभी नहीं करना ये वाली चीजें अपने अपलाइन के साथ। हमेशा रेस्पेक्ट करना है, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन, जैसा अपलाइन कहेगा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा, और जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। सिंपल सी बात है, देखो आप क्या कहते हो अपनी टीम को वो टीम कभी नहीं करती, आप क्या करते हो वो आपकी टीम अपने आप करती है। डुप्लीकेशन बता दो, डुप्लीकेशन अपने आप होता है, फ्री में होता है। यहाँ पे आप टाइम पे आते हैं तो आपकी टीम टाइम पे आएगी, आप लेट आते हैं तो आपकी टीम लेट आएगी हमेशा। आप जूतों में पॉलिश करके रखते हैं, आप टिकटॉप रहते हैं तो आपकी टीम भी ऐसी रहेगी, और आप ऐसी रहते हो तो आपकी टीम भी ऐसी रहेगी। आपका बैग साफ है, आपका पेन 50 रुपए वाला है, ठीक पेन है तो वो भी वैसा रखें, आपकी नोटबुक वो है 5 रुपए वाले तो उनकी 5 रुपए वाली रहेगी। डुप्लीकेशन फ्री, यस फ्री में। देखो जो दिखता है वो बिकता है, आप 1400 करोड़ की कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कम से कम अपने तो बेसिक तो ठीक रखने पड़ेगा, नहीं रखने पड़ेंगे टूल्स, रखने पड़ेगा नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। लाइफ मतलब स्टाइलिंग अपीयरेंस बैग, ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। आज तो कंपनी ने वैसे बैग भी ला दिया, तो टेंशन नहीं करना है, है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं इस बिजनेस के अंदर। देखो कहते हैं ना यथा राजा, यस। तो पहले हमें चीज सिर्फ चल के दिखाना है, और ये बिजनेस ना सिर्फ अपने आप को सिखाने का, अपने आप को टिके रहने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का सिर्फ इस चीज का बिजनेस है। खुद को सिखाते जाओ, खुद की नॉलेज बढ़ाते जाओ, काम तो अपने आप होता जाएगा। अपने आप को परफेक्ट रखो, खुद की टाइमिंग परफेक्ट रखो, खुद हमेशा सक्सेस करना रहो, खुद हमेशा पूरे टूल्स रखो, खुद सही सिस्टम से चलते रहो, लोग आपके पीछे अपने आप आना चालू कर देंगे। जी और भी दो यार और तो नहीं है, बहुत बना दिया था तो काफी है, और कुछ आगे बहुत है